मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा मुरादाबाद के सुनियोजित विकास को लेकर भले ही कार्यों को किया जा रहा हो, लेकिन मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की अनदेखियां भी कम होने का नाम नहीं ले रही। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा मुरादाबाद दिल्ली नेशनल हाईवे पर बसाई गई आवासीय योजना नया मुरादाबाद योजना के मुख्य मार्गों के साथ साथ उसके संपर्क मार्ग भी इन दिनों गड्ढों में तब्दील होते जा रहे हैं। वहीं मुख्य मार्ग पर उगाई झाड़ियां राहगीरों के लिए लगातार सिरदर्द बनी हुई हैं। मुरादाबाद के दिल्ली रोड गंगा नदी के पुल के सहारे हर्बल पार्क तक बनाया गया ये मुख्य मार्ग इन दिनों प्राधिकरण की अनदेखी का शिकार हो रहा है। इस रोड पर गुजरना है तो आपको जान हथेली पर लेकर चलना होगा, क्योंकि रोड के दोनों तरफ बड़ी बड़ी कटीली झाड़ियां और इस रोड में बने गड्ढे आपके लिए बवाली जान बन सकते हैं। वहीं इस रोड के किनारे लगाए गए बिजली के खंभे और उन पर की गई पथ प्रकाश की व्यवस्था इन दिनों चौपट होती दिखाई दे रही है। दिन छुपते ही इस सड़क पर अंधेरा छा जाता है और इन कटीली झाड़ियों में जहरीले जीव जंतुओं का खतरा भी क्षेत्रवासी महसूस करते हैं। इको हर्बल पार्क से वापस लौट रहे कुछ युवाओं से जब इस बाबत बात की गई तो युवाओं द्वारा बताया गया कि इस रूट से गुजरने का मतलब है कि खुद को खतरे में डालना, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियां हैं कि सामने का दिखाई ही नहीं देता और अगर कोई वाहन तेजी से आ जाए तो फिर समझो एक्सीडेंट होना बिल्कुल तय है। सिटी चैनल से बात करते हुए एक स्थानीय युवक द्वारा बताया गया। जी, ये यहाँ से हर्बल पार्क जो तराया जाता है मलगद्दे के पुल तक जाता है, यहाँ से गांगन के पुल से स्टार्ट होता है। मतलब क्या है यहाँ रोड पर झाड़ियाँ? जी, झाड़ियाँ इस रोड पर जो है एक बाइक का भी निकलना परेशानी वाली बात है, फिर ओवरटेक कार की तो दूसरी बात है। और यहाँ पर हर्बल पार्क की वजह से इतना बिजी रोड है जिसकी वजह से यहाँ पर कोई सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है, नगर निगम कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कितनी झाड़ियाँ। क्या होना चाहिए जी यहाँ पर? ये सब इनकी साफ़ सफाई होनी चाहिए और रोड को ठीक से साफ़ सुथरा बनाना चाहिए, जिससे कि ये जो दिन ब दिन दुर्घटनाएं होती जा रही हैं, इन दुर्घटनाएं ना हो, जिससे लोग कम से कम क्षतिग्रस्त हों। रात में लोग आते हैं, लाइट जलती है? जी नहीं नहीं, यहाँ पर हम सुबह मॉर्निंग में आते हैं रनिंग वगैरह के लिए, तो यहाँ पर कोई लाइट की ऐसी मतलब व्यवस्था नहीं है। पहले थी, अब खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम से यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। क्या मांग करेंगे जी? हम यही मांग करेंगे कि यहाँ पर जो ये रास्ता है सभी अच्छी तरीके से साफ हो जाए, सुचारू रूप से चालू हो जाए ये, और ये लाइटें सब ठीक हो जाए, दुर्घटना से बचे सभी लोग, क्योंकि ये रोड जो है बहुत बिजी है हर्बल पार्क की वजह से और MDA से भी जुड़ती है ये रोड। इसमें मेरी नज़र में पथ प्रकाश व्यवस्था थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, रोडों पर अधिकारी खुद ध्यान रखें स्वयं, और जो पेड़ वृक्ष लगे हैं जो हम लोग पौधारोपण भी करते हैं लगा ही रहे हैं, बहुत ग्रीन एरिया है, सारे रोड ब्लॉक कर रखे हैं, वहाँ पे पेड़ों की कोई देखभाल नहीं है, पेड़ कटते रहने चाहिए, उनकी देखभाल होनी चाहिए, रोड थोड़े अच्छे हो जाएँ और पथ प्रकाश थोड़ा अच्छा हो जाए वहाँ से, तो बहुत जल्दी वो बसेगा, क्योंकि वहाँ पर एकदम जंगल नज़र आता है, सड़क नज़र नहीं आती, रोड नज़र नहीं आते, पैदल भी नहीं जा सकता आदमी, तो बहुत अच्छा हो जाएगा अगर ये सब दो तीन काम हो जाए बस। जैसे प्राधिकरण का ऑफिस आ गया है तो क्या अधिकारियों को भी इधर बसना चाहिए कि अभी नहीं बसना चाहिए? हाँ, अधिकारी भी आने चाहिए, जब अधिकारी आएंगे तो आम पब्लिक को बहुत वो मिलेगा, मतलब एक माहौल अच्छा मिलेगा, अधिकारी होंगे उस रोड से गुजरेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो आम इंसान को तो खुद ही सुविधाएं मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। अगर हम इको हर्बल पार्क की बात करें तो नया मुरादाबाद आवासीय योजना का यह इको हर्बल पार्क अपनी कई विशेषताओं के लिए जाना और पहचाना जाता है। इस इको हर्बल पार्क में जहां दवाइयों के पौधे लगाए गए हैं तो वहीं सुंदर फव्वारे और बच्चों के खेल खिलौने भी लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ड्रीम प्रोजेक्ट योजना का हिस्सा बना मुरादाबाद का यह इको हर्बल पार्क भले ही मुरादाबाद की शान में चार चांद लगा रहा हो, लेकिन इन दिनों इस पार्क में मनचले युवक मनमानी करते देखे जा सकते हैं। इस पार्क में अपने परिवार के साथ जाने का मतलब हूटिंग सुनना तय है। यहाँ पर अधिकतर मनचले युवक कुछ ऐसा काम करते हैं जिसको लेकर हम अपने परिवार के साथ खुद को शर्मिंदा ही करेंगे। मुरादाबाद के आवाम के लिए बनाया गया ये खूबसूरत इको हर्बल पार्क इन दिनों अपने ही विभाग की अनदेखी के चलते आंसू बहा रहा है। नया मुरादाबाद के इको हर्बल पार्क के एक स्थानीय दुकानदार से जब बात की गई तो दुकानदार द्वारा बताया गया कि पार्क के अंदर भी कई तरह की झाड़ियां हैं और इन झाड़ियों में जहरीले जीव जंतुओं का खतरा तो कम है, लेकिन कुछ मनचले युवा आंख मचोली करते जरूर दिख जाएंगे। कुल मिलाकर प्राधिकरण को अपनी इस आवासीय योजना को और बेहतर बनाने के लिए बेहतर काम करने होंगे। मुख्य मार्ग को दुरुस्त कराना होगा और पथ प्रकाश की व्यवस्था को भी बेहतर करना होगा। इको हर्बल पार्क में महिला पुलिस की तैनाती की जाए ताकि परिवार के साथ लोग खुद को सुरक्षित और रिलैक्स महसूस कर सकें। भीड़ तो यहाँ पे इस टाइम तो मद्दा चल रहा है, बहुत मद्दा है, और यहाँ पे टॉयलेट वगैरह जो है वो बहुत गंदी है, टॉयलेट वगैरह की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। परिवार के लोग क्यों कम पसंद कर रहे हैं आना यहाँ पे? फैमिली इसलिए कम आ रही है क्योंकि जो झाड़ी वगैरह जो हो गई है उधर जो है जो नौजवान जो लड़की लड़का आ रहे हैं उधर ऐसे ही पड़े रहते हैं, गंदगी बहुत है और यहाँ पे कारण है।